तो अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु की एक छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री को गिरफ्तार करने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर कॉलेज में तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार पर मामले में आरोपी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण के दबाव के कारण आत्महत्या पर मजबूर होने वाली छात्रा को न्याय दिलाने के लिए परिषद के कार्यकर्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार को उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। विद्यालय के स्टाफ के द्वारा मुझे जबरन दबाव बनाया जाता रहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा, इसके कारण मैंने अपने कीटनाशक दवाई एडमिट का सेवन किया है। और तमिलनाडु सरकार जिस प्रकार से मिशनरी स्कूल का संरक्षण दे रही है, वहाँ के जब प्यून को गिरफ्तार किया जाता है, उसे बेल में जब उसको बाहर आती है, तब DMK सरकार के MLA उसको किस प्रकार से उसके स्वागत के लिए वहाँ पर जाते हैं, माला देते हैं।